.in में जहाँ आज हम आए हैं राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में, जहाँ आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय मदरसा आधुनिक शिक्षक संघ का एक विशाल धरना चल रहा है, जिसमें किस टाइम की मांगे हैं और किस वजह से ये लोग टीचर बकाया मानदेय नहीं मिल पा रहा है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आंख मिचौली खेल करके हम लोगों के साथ क्या करना चाहती है, हम लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं। आठ सूत्री मांगे हैं, पहला तो हम लोगों का केंद्र तीन साल का सरकार बार बार प्रत्यावेदन देने के बाद भी ये नहीं दे पा रही हैं। हम मदरसा शिक्षकों का 23 साल हो गया कार्य करते हुए, कोई भी सेवा नियमावली अब तक नहीं बनाई है। बार बार कहा गया, तमाम मिनिस्टर आए, अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि आप लोगों की तैयार हो रही है, ये हुआ है, वो हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल रेवड़ी दे के सुला दे रहे हैं। हमारी तीसरी मांग है कि बकाया राजांश यहाँ पर है। पिछले दो तीन साल में डेढ़ महीना, दो महीना, तीन महीना ऐसे बकाया सरकार काट करके क्या कर रही है, उस पैसे को समझ में नहीं आ रहा है। इधर 6 महीने हो गए, ये राजांश सरकार नहीं दे रही है, ये कह के रोक रही है कि अभी केंद्रांश जारी हो जाएगा तो देंगे, जबकि ये राजांश पूर्व की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की जो सरकार थी, जब उन्हें हम लोगों ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर उन्हें बताया गया कि सर हम लोगों को केंद्रांश केंद्र सरकार 2 साल 3 साल के बाद देती है, तो हम लोगों के परिवार के लोग क्या करें पेट के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, तो वो बहुत ही अच्छी उससे समझ करके उन्होंने हमारे दुख को दर्द को समझा और उन्होंने प्रतिमाह 2,000-3,000 प्रतिमाह देने के लिए वो तैयार हो गए, वो दे भी दिए। और लेकिन जब से ये सरकार आई है ये 2,000-3,000 भी देना नहीं चाहती है, क्या करना चाहती है ये अल्पसंख्यकों के साथ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चौथी मांग हमारी ये है कि सेवा नियमावली बनी नहीं है। पाँचवा है 2270 में हमारे बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, 5-5 साल हो गया है लेकिन उनका अभी तक स्वीकृत केंद्र सरकार नहीं दे रही है। हमारे शिक्षक सोच लीजिए कि 5 साल से इस योजना में लगे हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग इन सब 60 सूत्री मांगों को लेकर के बहुत ही बाध्य होकर के इस में हम लोग इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं और सरकार को बार बार प्रत्यावेदन देने के बाद जब नहीं मानी सरकार तब जा करके हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और निश्चित ही तौर पर हम लोग मानदेय लेके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। इससे पहले भी आपके संगठन के कई धरने हो चुके हैं, तो जब वो धरना चल रहा था तो सरकार ने क्या आश्वासन दिया था जिस वजह से आपने धरना स्थगित किया था? पिछली बार जो हमारी धरना स्थगित हुई थी 38 दिन चलने के बाद, उसमें राज्य सरकार रेवड़ी हम लोगों को दे करके ये कही कि ये राजांश मेरे स्तर का है, ले जाइए और मैं केंद्र सरकार के वहाँ से मैं मंगवा कर दल बदल कर दूंगा। लेकिन मार्च महीने में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। केंद्र सरकार का कहना था कि आप हमें यूसी दे दीजिए, मैं दे दूंगा, ये कह रहे मैं यूसी दे दिया। इसी आँख मिचौली में हमारे 30,000 मदरसा शिक्षकों के साथ अन्याय और जुल्म किया गया। मार्च में पैसा नहीं आ पाया, जिससे आज भी वो पैसा बड़ी ही विकट स्थिति में है, कोई स्पष्ट स्थिति नहीं हो पा रही है कि केंद्र सरकार मानदेय देगी कि नहीं देगी, ऐसे हम लोगों को घुमा फिराई है। इसको हम लोग जारी कराने के लिए हम लोग आज यहाँ इको गार्डन पार्क में इकट्ठित हुए हैं। जैसा कि आज आप लोगों का इतनी विशाल संख्या में धरना चल रहा है, तो अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं पूरी की तो कब तक चलेगा? हमारी ये बकाया राशि लेके ही यहाँ से हम लोग जाएंगे। ये हमारी बहनें, हमारे 30,000 नॉन मुस्लिम टीचर और 70% मुस्लिम टीचर, इन्होंने पूरा प्रण रख लिया है कि हम केंद्रांश और राज्यांश दोनों साथ ही लेके जाएंगे, तभी जाएंगे, अन्यथा इसी इको गार्डन में और पूरी तरह संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन न्यायपूर्वक जैसा होगा हम ऐसा संघर्ष करते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि आज हम कसम खा के आए हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करेगी, इनके अध्यक्ष का कहना है कि एक बार हमारे धरने पर सरकार ने रेवड़ी दे के हमें टाल मटोल कर दिया है, तो आइए और संगठन के लोगों से बात करेंगे कि किस वजह से आज इतनी दूर दूर से लोग आए हैं। जी भाई साहब, पूरा परिचय दीजिए अपना, क्या नाम है? मुस्लिम रजा खान जी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मदरसा मॉडर्न टीचर एसोसिएशन। हम लोग उस वक्त बड़ी खुश हुए थे जब केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इससे पहले हमें यही सुना जाता था कि केंद्र की सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती थी कि वो बजट नहीं दे रहे हैं, ये वो कहते थे ये यूसी नहीं दे रहे हैं, यानी हम लोग फुटबॉल गेंद बन गए थे। लेकिन अब तो दोनों ही तरफ भाजपा है। जब दोनों सरकार आई तो हमें एक खुशी मिली, हम लोगों ने बहुत बड़ा एक
मैं खुशी महसूस किया कि अब हम लोगों का समय ऐसा आ गया कि हम लोगों के मामलात हल होंगे। लेकिन ये सरकार आने के बावजूद भी जो पिछली सरकारें थी उससे भी बद से बदतर हो गई। यानी 27 माह की तनख्वाह बकाया पड़ा है केंद्रराज, इससे पहले कभी किसी का बकाया नहीं था। आज हम सभी लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम तभी यहाँ से उठेंगे जब तक हमारा केंद्रांश यहाँ से जारी नहीं होता। मतलब तब तक आप लोग हिलने वाले नहीं? बिल्कुल हिलने वाले नहीं। तो कब से धरना अभी चल रहा है आप लोगों का? आज से हमला धरना शुरू हुआ है और ये धरना हमारा अनवरत चलता रहेगा। अभी तक शासन का कोई अधिकारी आप लोगों के जी पास नहीं है? अभी हमारी शुरुआत हुई है, 2 बजे तक हम लोग वेट करेंगे। अगर 2 बजे तक नहीं आता है तो हम 2:30 से लेकर 3:15 बजे तक हम यहाँ से विधानसभा की तरफ कूच कर जाएंगे। तो क्या विधानसभा घेराव का आप लोगों का वो? बिल्कुल, जब कोई अगर अधिकारी नहीं आता है, हमारी वार्ता नहीं कराता है, तो बिल्कुल हम विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि इनके संगठन के लोगों का क्या कहना है कि अभी 2 बजे तक हम इंतजार करेंगे और उसके बाद जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। तो आइए संगठन में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस जिले से लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी शमशाद अहमद। तो कहाँ से आए, किस जिले? मऊ से। तो ये बताइए, सरकार अगर आपकी मांगे नहीं पूरी करती है तो जैसा कि कहा आपके संगठन के लोगों ने कि 2 बजे विधानसभा घेराव होगा जी, उसके बाद भी नहीं पूरी हुई तो आप लोग क्या करेंगे? जैसा हमारा संगठन कहेगा उस तरह हम लोग करेंगे। मतलब आप लोग डटे रहेंगे, हिलेंगे नहीं? तो आइए महिलाओं से बात करेंगे कि किस किस जिले से महिलाएं जो घर छोड़ के अपना आई हैं। क्या नाम है? मैं गीता कुमारी, जिला मिर्जापुर से हूँ जी। मैं अपने मानदेय के लिए यहाँ आई हुई, 2.5-3 साल से हम लोग का मानदेय रुका हुआ है। हम लोग के परिवार के लोग जो हैं, अब हम लोग को तो घर से बाहर निकालने का नौबत आ गया है। बताइए अब हमारी सरकार को जाके आप बताइए कि अपनों से रुका हुआ है, 2.5-3 साल से हम लोग का मानदेय सर जी जी। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? कैसे चलता है? अब घर वाले मार के दे चाहे गाली दे के दे, सह के हम लोग कर रहे हैं। तो घर में अगर दूसरा कमाने वाला ना हो तो घर की जीविका जो चल रही होती वो भी ठप हो जाती है। तो आइए और महिलाओं से बात करेंगे कि किस किस जिले से आई हैं। जी मैं मिर्जापुर जिला से हूँ, तबस्सुम मेरा नाम है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और 2 मेरे बच्चे हैं। 3-4 साल से हम लोग का वेतन नहीं मिला हुआ है और हमारे घर का परिवार कैसे चल रहा है वो मैं बहुत अच्छी तरीके जानती हूँ। कैसे चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं पूरी हो पा रही है और क्या है कि बच्चों को कोई भी कुछ भी वो लोग मांगने नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा अपनी पीड़ा बताते बताते जो यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं लोग वो रोने लगते हैं। तो आइए बीच में भी चलेंगे, एक दो लोगों से बात कर लेंगे। एक लेडीज हैं जो बोलना चाह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमीमा बेगम, हम मिर्जापुर के जिले से आए हैं। क्या पीड़ा है सर? हम लोग की पेमेंट 3 साल से रुकी हुई और हम लोग की हमारी जिम्मेदारी हमारे घर पे, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। 3 साल से हम लोग पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, इसीलिए हम खर्चा नहीं चल पा रहा होगा। नहीं चल रहा है सर, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, बड़े में हम ही हैं। तो आप सभी महिलाएं ये बताइए, सरकार अगर आपकी मांगे नहीं पूरी करती है तो आप महिलाएं सभी बैठी रहेंगे? बैठे रहेंगे सर, हम लड़ेंगे अपने अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने पैसे के लिए लड़ेंगे और हमारी मांगे पूरी हो। जब से नहीं पूरी होगी तब से हम आएंगे और लड़ेंगे। तो जैसा कि महिलाओं का भी कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लड़ते रहेंगे। और आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, हम कैमरामैन से अपने कहेंगे कि घुमाएं स्क्रीन और दिखाएं कि किस तरह से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने कपड़े फाड़ने के लिए भी तैयार हैं, कपड़े फाड़ने के लिए लोग तैयार हैं। तो आइए बताइए। देखिए जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हम लोग बहुत परेशान हैं, मदरसा शिक्षक पूरे के पूरे बहुत परेशान हैं और हम लोगों की बहुत लालसा थी इस सरकार से। पहले प्रदेश सरकार में कुछ हुआ करता था और राज्य सरकार में कुछ हुआ करता था, इसलिए हम लोग बाज करके आपस में इसके सहारे रहा करते थे कि भाई हो सकता है कोई सरकार आ जाए तो हम लोगों का समस्या सुन ले। तो आज ये समस्या समाधान हो जाना चाहिए क्योंकि आज बीजेपी की गवर्नमेंट प्रदेश सरकार में भी है और राज्य सरकार में भी है, आज केंद्र सरकार में भी है। अब ज़्यादा दिनों तक इस समस्या को मतलब बरकरार नहीं रखना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा अभी देखिए कुछ लोग जो हैं यहाँ कपड़े फाड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो आइए सभी से बात करेंगे क्योंकि ये बताइए क्या नाम है? फिरोज अहमद, मैं मऊ जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकरण शिक्षक संघ का। मैं इस सरकार से
जब ये बनी थी तो मैं 11 मई 2017 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला था। उन्होंने कहा था कि हम आपका पूरा काम करेंगे, लेकिन इस भ्रष्ट अधिकारी जो हैं हम लोगों की समय पर यूसी नहीं भेजते हैं। यूसी न भेजने की वजह से हम लोगों का केंद्रांश वापस नहीं आया। साल से रुका हुआ है, ढाई तीन साल से रुका हुआ है, किसी किसी लाट का 5 साल का रुका हुआ है, लेकिन ये सरकार देने के एकदम मूड में नहीं है। ये चाहती है कि हम नंगे हो जाएं, अब फकीर हो जाएं, अब फकीर तो हो ही गए हैं, अब नंगे हो जाएं तो ये लीजिए, नंगा करिए हमको, क्या करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पीड़ित कपड़े फाड़ रहे हैं, उसको दीजिए सरकार को, यही यही लेकर के जाएं हम घर पे, क्या करेंगे, फकीर हो गए हम लोग। जाएंगे या तो यहीं पर अपनी जान दे अपनी देंगे, और ये कहेंगे गवर्नमेंट हमें भूखे मार रही, लीजिए हम अपना जान दे ही के जा रहे हैं यहाँ से, क्या करेंगे सामूहिक तौर पर, सामूहिक तौर पर हाथ बजा करेंगे। तो आइए एक दो लोगों से और बात करेंगे, देखिए कितनी पीड़ा है इन लोगों में कि अपने कपड़े तक फाड़ दिए इन लोगों ने। क्या नाम है? मैं मदरसा मोहम्मद मुस्तकीम जनपद अम्बेडकर नगर, मैं आम शिक्षक हूँ। ये केंद्र पुनर् निर्धारण मदरसा आधुनिकीकरण योजना तकरीबन 25 वर्षों से चल रही है। इसके पहले हुकूमतें आई थी, हमारा मानदेय बराबर मिलता रहा है। जब से मोदी जी की सरकार आई है उसमें भी माननीय स्मृति ईरानी जी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री थी, तब उन्होंने 1 साल का बजट पास किया था। इसके बाद से हम लोगों का मानदेय रोक दिया गया है, हमारा परिवार भूखों मर रहा है, हमारे बच्चे रोड पे आ गए, हमारी ना ईद पता चल रही है ना मुहर्रम पता चल रहा है, ये हमारे मंसूबों को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। मैं योगी जी से और मोदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपका भ्रम है कि मदरसे में सिर्फ मुसलमान शिक्षक पढ़ाए जाते हैं तो आपकी सोच गलत है। आपको पोर्टल उठा कर देखना होगा, उस पोर्टल में हमारे 40% हिंदू समाज टीचर है, 40% हिंदू भी है जी। इस मदरसे में आधुनिकीकरण योजना में जो समाज को मुख्य धारा जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसमें 40% हिंदू समाज शिक्षक है और 40% से ऊपर मदरसे में पढ़ने वाले हिंदू समाज के बच्चे हैं। उन तो जैसा कि आपने देखा लोगों का ये कहना है कि इससे पहले इनकी एक ये नीति थी कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है तो इनके संगठन ने केंद्र में सरकार भी बनाने में मदद की, भाजपा को वोट डाला कि केंद्र में सरकार आ जाएगी तो प्रदेश की सरकार शायद कहीं ना कहीं उसको बजट की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए एक एक लोग से और बात करेंगे। क्या नाम है? मैं विनोद कुमार मौर्य, मदरसा शिक्षक मदरसा नूर इस्माइलिया दारुल सिंधौरा वाराणसी से हूँ जी। क्या पीड़ा है आपको? और 3 सालों से हमारा भुगतान नहीं हो रहा है और सरकार पल पल हमारा इम्तिहान ले रही है, और अभी तक योगी सरकार ने मदरसा बताइए, आप ये बताइए कि अगर सरकार आपकी मांगे फिर नहीं पूरी करती तो क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम लोग भूख हड़ताल भी करते, आत्महत्याएं भी कर सकते हैं, असहयोग ठीक। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं पूरी की तो कपड़े तो लोग फाड़ ही रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आत्महत्या भी हम कर सकते हैं, और अभी घेराव करने की बात इनके अध्यक्ष ने कही है। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें।